दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दरोगा और सिपाही की नियुक्ति के लिए यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो है पहले दौड़ होगी, उसके बाद यहाँ पे परीक्षा आपकी होने वाली है, ठीक है। जिसमें से झारखंड पुलिस की बात करें तो यहाँ पर बहाली में अब शारीरिक मजबूती वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर न्यूज़ निकाला गया है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल्स में। और इसकी नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है क्योंकि इसका प्रस्ताव पास हो चुका है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं दरोगा और सिपाही की नियुक्ति में अब पहले होगी दौड़, फिर होगी यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा, ठीक है। कैबिनेट में टोटल 43 यहाँ पे प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें से यहाँ पे दरोगा और सिपाही के से रिलेटेड भी आपका प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, राज्य सरकार ने पुलिस की बहाली में शारीरिक मजबूती और प्राथमिकता देने का फैसला किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए झारखंड पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। तो झारखंड पुलिस नियमावली में संशोधन कर दिया गया है, अब सिपाही और दरोगा की बहाली में पहले शारीरिक परीक्षा होगी, फिर लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपकी फिजिकल जांच होगी, फिर आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो सरकार का मानना है कि पहले लिखित परीक्षा में जो कि बलिष्ठ युवक जो है यहाँ पे ढक जाते थे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे समान कद काठी और कमज़ोर युवक ज़्यादा पास होते थे, ठीक है। इसके बीच में ये आपका नियुक्ति करनी पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो है जितने भी कमज़ोर शारीरिक रूप से रहते थे वो लोग वहाँ पे पास कर जाते थे एग्ज़ाम, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले आपकी शारीरिक जांच हो जाएगी, फिर आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका कमज़ोर युवक जल्द पास होते थे, इसके बीच में नियुक्ति करनी पड़ती थी। गृह विभाग के देख सकते हैं कि गृह विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को राज्य जो कि मंत्री परिषद में मंगलवार को मंजूरी दे दिया गया है। हालांकि बैठक में पुलिस कर्मियों के दक्षपूर्वक यहां पे अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, ठीक है। तो यहां पे मंजूरी मिल चुकी है और ये वैकेंसी जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। इस तरह का रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।